ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 15 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੇ 15 20 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ऐसा मैनू रोकया मैं 15 दिन अगे नहीं जा सकया जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने जो हो गया होना ही सी हुक्म अदकी ये पिछले साल दी गल है बंगला साहब तो कथा करके जो मैं आ रहा सीढ़ियां तो उतर रहा एक बड़ा ही चोटी का लिखारी है नामवर जिदे लेख हिंदी दे चोटी दे अखबारां च अक्सर छपदे रहिंदे ने बड़ा मनिया मनिया प्रतिष्ठित बंदा 5-7 बंदियां दे नाल उन्हें मैनू घेर लिया ते कहण लगे ज्ञानी जी सानू कई साल पहले थोड़ी वो कथा जो 15 दिन तुसी कीती सी वो याद भी है ते वो टेप भी कीती सी जो होआ वो वत्सो जाने प्रब अपने का हुक्म पछाने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਪਰ ਹੁਣ 84 ਵਿੱਚ ਔਰ 83-84 ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ और इस कहने नाल थानू सजा भी मिली थोड़े ते केस भी बने कहिंदे इह दोरंगी साडी समझ च नहीं आई थोड़ी उदों कहिंदे सी तुसी जो होआ हो वत्सो जाने जो हो गया होना ही सी फिर सार बल देश दा भ्रमण कर करके आखदे रहे जो होया है गलत होया है ये सही नहीं होया मैनू कहिण लगे 15 दिन दी थोड़ी कथा ठीक सी या ये ठीक है पहले ये फैसला करके सानू दस दो असी ओ मन लईए यकीन जानो मैं अपनी जिंदगी च पहली दफा महसूस किया कि चोटी दे सियाने मनुखां च मैं घिर गया ते मेरे कोल कोई जवाब नहीं वाकई मैं आखिया सी जो होया गलत होया सही नहीं होया और 15 दिन मैं ये भी कथा कीती सी उस तो अगे फिर प्रकरण बदल गए सन कि जो हो आ हो वत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने जो हो गया है तो होना ही सी हुक्म है तो जो हुक्म नु समझ लेंदा है परमात्मा नु समझ लेंदा है कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जात उसने परमात्मा दा भेद जान लिया उदे राज नु समझ गया जिसने हुक्म नु समझ लिया ते हुक्म नु मन लिया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਐਨੀ ਉਹ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਐਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਿਰ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਪਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਲਏ ਸਨ ਇਹ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ
अज मेरी लज्जा रखनी है। इन्हां कोल मैं अज सुरखरू होना चाहिदा है, अज बेइज्जत नहीं होना चाहिदा। अरदास कितनी गहरी जा सकती है यह मैनू उस दिन पता चलिया। उंज नहीं, जिंदगी भावे मेरी सारी लंघ गई सी। कोई जप तप इतना गहरा नहीं जाता, कोई साधना इतनी गहरी नहीं जाती जितनी गहरी अरदास चली जाती। शायद इसे वास्ते ही गुरु का हुक्म है अरदास तो लाजमी करनी है, अरदास दे शामिल होना है। अंदरों अरदास निकली मैं कि महाराज वो छड़ी जरा इधर भी फेर दे, अपने कोल जवाब नहीं है। ते जे मैं एक कबूल करदा तो एक ते झूठ हो गया, तेरे दरदा झाड़ू बरदार ते साबित हो गया झूठ बोलदा, गलत बयान नहीं करदा। यकीन जानो मैं पहली दफा देखिया अरदास कबूल होई। इकबाल ने किसे वक्त किया सी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मैं उन्होंने गरज के आखे, मैं दोवे जो आखे ठीक आखे, उदो भी ठीक आखे, असी हुण भी ठीक आखे। मैं कह मैं उदो भी सही आखिया सी, हुण भी सही आखिया। कहणगे इह किस तरह हो सकता है, उदो तुसी आखिया सी जो हो गया यह हुक्म है परमात्मा का, इनू मन ले। ते हुण तुसी इह आखिया जो हो गया यह नहीं होना चाहिदा सी। मैं कह इस तरह है, जो होया है कौम नाल मैं मनदा होना ही सी, ऐसा होना ही सी। पर कौम दे अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी। मेरे पैरां दे थल्ले किसी ने बलदी हुई अग रख दिती, मैं ऐसा समझदा होना ही सी। पर मेरे मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी। मैं फिर दोहरावां जो मैं उदाहरण दिता, बे मेरे रस्ते च किसी ने अग बिछा दिती, मैं मनदा ऐसा होना ही सी, मैनू चलनी सी। पर अग ते चलदिया मुंह चीख निकल गई, निकलनी सी, होना ही सी। जो हो गया यह होना ही सी, मैं मनदा। पर रोस पैदा हो गया यह निकलना ही सी, रोस होना ही सी। इनू भी हुक्म मन लो, मैं उदों भी जो आखिया सी उनू भी हुक्म मन लो, जो हुण मैं आख्या इनू भी हुक्म मन लो। पैरों थले मेरे अग किसी ने रखनी सी, मैं फिर दोहरा दया, मैं समझदा यह अग रखनी सी किसी ने, यह अग पैनी सी, ऐसा होना ही सी। पर मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी, रोस निकल गया, निकलना ही सी। हसदिया मैनु कहन लगे, असी ते संगल लेके आए सी थानू फसाण लई, तुसी ते तोड़ दिते। मैं कह मैं दोवें वक्त ठीक आख्या सी, रोस निकल गया, निकल जाता है। चंदन नु भी ज्यादा रगड़ो वह भी गर्म हो जाता है। ये तो ऐसा है, जे किसी का जबर होना सी होना ही सी, ऐसा होना सी, शायद कौम दे करम। पर रोस पैदा हो गया है और मुंह ऐसे बोल निकल गए, निकलने सन, ये भी एक हुक्म। वो हसदे हुए चले गए, मैं पौड़ियां ते फिर मत्था टेकया। मैं कहा बाबा तू मेरी लज्जा रख दिती, गल बन गई। जो हुआ वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तत्ती तवी ते बैठना सी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कहंदे ने हुक्म, पर छेवें रूप ने तलवार खिंच ली हुक्म, ऐसा भी होना सी।